ये क्या गुलरी है? इसने उसको मार दिया है ना? ये छत से पकड़ के लाया है? इसको बाहर गैरेज में लेके जाओ। बिस्किट मैक्स, उसको छोड़ दे, लाओ। ये पॉइजनस तो नहीं होती। इसने उस बेचारी पे फजैल कितना जुल्म किया है, मार दिया उसको, मार दिया उसको। छोड़ो। हाय हाय, ओए इसको पहले अंदर ले जाओ, मैक्स को, मैक्स को अंदर ले जाओ। ये तो छोटी सी बच्ची है जो इसके हाथ में आ गई, बेचारी मर गई। ये फजैल उसको पकड़ो, वो आया। कैट्स भी कितनी जालिम होती हैं। उसकी सांस देखो, उसकी हार्ट, उसका मुंह खुला हुआ है ना, मर गई है। बहुत जालिम होती है कैट्स। आराम से ला के रूम में जा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं इसके मुंह में क्या है। एक्स ने जी बेचारी उस छोटी सी गुलहरी का इतना बुरा हाल किया, उसको मुंह में ले आया और नीचे बड़ा मज़े से टहल कर आ रहा था। उसको लग रहा था कि मैं नीचे आऊँगा और फिर रूम में बैठ के इसको खाऊँगा, लेकिन जब तक हमने देखा वो मर चुकी थी। उसके मुंह ना अपने मुंह से उसको दबा रहा था, चबाने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली बेचारी की ज़ुबान निकली हुई थी, इतनी मासूम सी छोटी सी थी वो। वैसे तो मैं इनको छत पे जाना अलाउ नहीं करती हूँ। ये अब पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से हमें पता ही नहीं चला, वो छत पे चला गया और जाके उसको पकड़ के ले आया। वहीं से शोर बहुत आ रहा है। कल की वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ करें मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। पेन किलर्स ले रही हूँ, पेन किलर्स की वजह से मुझे फेस पर, इतनी हाथों पर, पूरी बॉडी पर स्वेलिंग हुई हुई है मेरे। क्योंकि जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं ना, एंटीबायोटिक या पेन किलर्स लेते हैं, तो वो हमें टेम्परेरी रिलीफ तो दे रही होती है, लेकिन साथ साथ में उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कौन से सप्लीमेंट ले रही हैं वाइटामिन डी का, उनका नाम बता दें। तो मैं सनी डी के ले रही हूँ, सनी डी के नाम से वाइटामिन डी का सप्लीमेंट जो है मैं वो ले रही हूँ। वैसे तो मैं और भी काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स डेली बेसिस पे खाती हूँ, वो तो मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन जो पहले मैं लेती थी वाइटामिन डी और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन, तो अब मैं ना विटामिन डी का कॉम्बिनेशन भी ले रही हूँ। कैस्पर और मुफासा इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है दोनों में माशाल्लाह से, कि देखें उसे मुफासा उकसाता है और वो मुफासा के पीछे भागता है। भागते भागते वायर चले जाते हैं, अभी मुफासा फिर आएगा, वायर निकलेगा और ना कैस्पर के साथ खेलते खेलते वायर चला जाएगा। कैस्पर, कैस्पी, कैस्पर तुम्हारा दोस्त मुफासा किधर गया? मुफासिडी किधर गई? बुलाओ उसे। ये देखें जी, ये देखें दोनों की दोस्ती, दोनों की फ्रेंडशिप माशाल्लाह। उसे बार बार उकसाता है और वो उसके पीछे भागता, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बड़ा कैपी ये बैठा हुआ है और वो छोटा वो मुफासा के साथ खाना खा रहा है। खाना खाने में मगन है, खाना खाने में मसरूफ है। कैस ओरियो, मुफासा, मुफासा भी नहीं सुनेगा इस टाइम, इग्नोर करेगा हमें और ओरियो भी इग्नोर करेगा। वो दोनों ना खाना खाने में मसरूफ हैं। मुफासा साहब ने खा लिए और ओरियो साहब खा रही हैं, और ये साहब जो हैं अपनी सफाइयां कर रहे हैं। कैस्पर, अपना नाम पता चल गया कैस्पर आपको? मुफासा, कैस्पर साहब जो हैं वो घर में फिर रहे हैं जगह जगह पे, और कैस्पर साहब जो हैं वो अब हमारे पास घर में ही रहते हैं। रात के टाइम तो अक्सर घर पे ही होता है, वैसे बाहर गैरेज में होता है। वो पूरा दिन घर में रह ले, वो रहता क्यों नहीं है जी? जब भी दरवाज़ा खोलता हूँ ना मैं, तो उसकी जान पे बन आती है। वो आपको मैं दिखाता हूँ साइड पर, जो दोनों कैस्पर खेल रहे हैं आपस में, लेकिन जैसे ही मैं दरवाज़े के पास जाऊँगा दरवाज़ा खोलने के लिए, कैस्पर साहब दुम दुबा के ना इस खिड़की से भाग जाएंगे और फिर अंदर नहीं आएंगे 3-4 घंटे। क्योंकि कायली का उसमें ना एक ड्रोप और दबदबा उसने ऐसे कायम किया हुआ है कायली ने, कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलें आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। कहें जी फ्रिज के नीचे उन्होंने वो स्टिक्स या वो भी तोड़ दिया, क्योंकि छोटा कैस्पर अंदर चला जाता है खाना खा के। और अभी ना मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। अभी वो डर गया, अभी नहीं वो खेल रहा उसके साथ, क्योंकि वो फ्रिज के नीचे जाके सो जाता है। अभी अभी ज़रा वैसे ही ना फिर बुला लूँगा कैस्पर। अब मैं दरवाज़ा खोलने वाला हूँ और कैस्पर,
देखे देखे देखे, अभी दरवाज़ा थोड़ा सा ही खोला था ने और कैस्पर साहब भाग गए, नहीं नज़र आ रहे ना आपको, तो कैस्पर साहब की ना ये रूटीन है, वो फिर आ गया, उसको पता चला कि मुझे डरा रहे हैं, वो फिर आ गया, जब फिर मैं खोलूँगा आपको दरवाजे की आवाज़ आएगी, कायली कायली आ जा ना मेरे बच्चे का दिल टूटा हो, आ जाओ कायली, ओ ओ ओ भाग गया भाग गया भाग गया, कायली आई वो भाग गया, कायली आई वो भाग गया, देखो विंडो से भाग गया, कायली आपका इतना रोप और दबदबा, ओ हो माशाल्लाह मेरी कैली मैडम का इतना रोप और दबदबा है, ओ मैं लेके जाता हूँ इसको, वो देखें तूफान सिंह साहब जो हैं छोटे शेरा साहब वो रिदा के ऊपर आने लग चढ़ने लगे थे, ये देखें तो ये देखें जी ये मैडम कायली है मेरी प्यारी कायली, आप कल कह रहे थे कि कायली को क्यों नहीं दिखाते, ये देख लें जी आज कैस्पर साहब की वजह से अपने कायली को भी देख लिया, ओहो हो कायली का गुस्सा तो देखो तेरी, ओ हो मुझे इतने जोर से काली ने नील मारे हैं और नीचे जंप मार दी, क्या कर रहे हो आप शेरा, ये शेरा ना बहुत ही दरिंदा और सालिम इंसान है, इंसान नहीं है, बेटा है मेरा, इंसान इसलिए इंसान से इंसान जैसा ही समझ लें, तो ये इतना बुरा छीलता है ना जब कपड़ों पे चढ़ता है तो ऐसे ना फाड़ के रख देता है कपड़े और पूरा जिस्म उधेड़ देता है, इसको मंदरी कर देते हैं, इसको मंदरी कर देते हैं मोटे शेरों को माशाल्लाह, कायली कायली तुम कैस्पर को डराती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, सब तुमसे मिलना चाहते हैं, कहते हैं मैडम कायली किधर है, मैडम कायली का बेटा तो वो रहा अपनी सफाइयाँ कर और मैडम कायली ये रही, मैडम कायली ने फिर से शेल्फ गंदी कर दिया, फिर से तुम्हें साफ़ करनी पड़ेगी, मेहनतें करवाते हैं बच्चे तुमसे हैं, कायली जैसी बिलियाँ ना पाकिस्तान में दुनिया में हर जगह पे बहुत ज़्यादा हैं, कायली माशाल्लाह आप सबको पता है कि हमें मिली कैसे थी, अब अपने बच्चे के पास चली गई, उसे बिस्किट नज़र आ गए, अब दो तीन चार ना बिस्किट खाएगी, उसे फिर सुकून मिलेगा, कायली को वैसे भी खाना दे देते हैं, कायली को जी कुत्ते खाने वाले थे और एन टाइम पर अल्लाह ताला को सब कुछ पता होता है कि ये किसके पास जानी है, इसकी पले की कैसे खाना इसको कौन सा मिलेगा, मतलब कि हर चीज़ मेरी तकदीर में जब अल्लाह ने मैं पैदा किया था ना तो लिखती थी, तो कायली का भी ऐसे कायली की किस्मत का भी हमारी किस्मत में आना लिखा हुआ था, तो कायली हमारे पास इस तरह कुत्ते खाने लगे थे, हमजा ने देखी, हमजा ने उठा ली और हम घर ले आए, अगर हम पेट लवर ना होते, अगर हमें इनका शौक ना होता तो शायद हमजा की भी नज़र ना पड़ती, लेकिन अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम है, जान बचाने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने इसकी जान बचाई और आज ये हमारे साथ है, और हमारी इतनी लाडली है कि आप सोच नहीं सकते, कायली को हम कहते हैं कि कायली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुफासा जैसा बेटा हमें पैदा करके दिया, कायली एक हम शुक्रिया अदा करते हैं, एक तो जी गर्मी में वीडियो बनाना भी ना इतना मुश्किल है यकीन माने, हाँ जी रिदा कह रही है फिर जब आप लोग डेली देखते नहीं है वीडियो तो हमें फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए हम ना रेगुलर डालते ही नहीं, तो आप डेली वीडियो देखा करें, हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, वीडियो बनाना आसान नहीं है, चले मैं तो बना रहा हूँ ना, मेरे लिए आसान है, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जो एडिटिंग करता है यकीन माने उसके लिए एक एक मिनट जो है वो जिस तरह वो पढ़ाई नहीं करते और नींद आ जाती है और बड़ी मुश्किल से एडिटिंग होती है, वरिदा बड़ी मुश्किल से वैसे एडिटिंग करती है, खैर सारा कुछ ही प्रोसेस मुश्किल होता है, तो अब लाजमी देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर भी किया करें, ये क्या हुआ, ये लड़ाई क्यों कर रही हो कायली, कायली तुम अंदर जाने के काबिल हो, अच्छा जी मैं वीडियो के चक्कर में था, मैडम कायली ने इतना डराया कैस्पर को कि बस ना पूछे कायली को अंदर कर देते हैं, कायली को बाहर निकालना महंगा पड़ गया, अभी जी कैस्पर और कायली की लड़ाई हो गई थी, मेरा वीडियो में ध्यान था और कायली उसे मारने के लिए भागी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पकड़ लिया, वैसे तो जी कैस्पर भी बहुत ज़्यादा चलाक है, वो इतनी आसानी से मार नहीं खाता, वो भी आगे से मुकाबला करता है, लेकिन उसकी बचत हो गई, चला गया मैंने छुड़वा लिया, कैस्पर ना कायली से डर के बाहर निकल आया है, अब मैं उसको लेने के लिए आया हूँ कि आ जा कैस्पर, कैस्पर आ जा, रैम रूठा हुआ है डर रहा नहीं रहा अंदर, आ जा आ जाओ कैस्पर, बुलाओ ज़रा तुम बुलाओ ब्लॉक से आ जाओ, कैपी आ ना मेरी जान, आ जा आ जा आ जा कैपी, आ जा कैस्पर, आ जाओ आ जाओ चली गई है वो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई भी नहीं है देखो दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जा आओ आ जा, तनों की उड़ी दी, आ जा
शाबाश माशाल्लाह। मिनट तरले करके अंदर लेके आए, फिर कह रहा मुझे बाहर निकालो। आजा। और अब जी हमारा डिनर बन रहा है और आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।